हालेलुया पास्टर जी, एक बहुत बड़ी टेस्टिमनी। इनका नाम प्रियंका है, यूपी से। आज तीसरा हफ्ता इनको, और कहते 8 साल पहले इनको पॉक्स हो गए थे, उसकी वजह से इनकी गर्मी बढ़ गई थी पूरी बॉडी में। और कहते अचानक से इनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह से चली गई, और डॉक्टर को चेक करवाया जाके डॉक्टर ने कहा कि अब ये लाइलाज बीमारी बन चुकी है, अब तुम्हारी आंखों की रोशनी कभी नहीं आ सकती। की गवाहियां सुनी यूट्यूब के ऊपर, ये खुद चर्च के साथ जुड़े थे, और कहते तीनों ने देखा पहले भी कई टेस्टिमनी हुई कि अंधों की आंखें खोली परमेश्वर ने, और विश्वास के साथ यूपी से इनको लेकर आए। आज तीसरा हफ्ता है, जैसे अनॉइंटिंग ऑयल अप्लाई हुआ वो 8 साल का अंधापन वो पूरी तरह से, कहते मुझे मेरी आंखों से छिलके उतर गए, और कहते मुझे धुंधला धुंधला दिखाई देना शुरू हुआ है। पास्टर जी ये बता रहे हैं इनके जो जेठानी हैं, कहते इनकी आंखें बिल्कुल वाइट हो गई थी, और कहते जो हमारी आंखों में रेड रेड सी छोटी छोटी सी लाइंस होती हैं, कहते वो बिल्कुल भी नहीं थी। जैसे ऑयल अप्लाई किया सबसे पहले कहते वो रेड रेड लाइंस आई, और कहते धुंधलापन शुरू हुआ दिखना, हल्का हल्का लोग दिखने शुरू हुए हैं। अच्छा, अभी अभी, अभी देख सकते हैं, मतलब अभी देख सकते हैं। नर्वस हो गए थे इनका। आज क्या हुआ तुम्हारे जीवन में? आज हमारे जीवन में, मतलब पहले हमको दिखाई नहीं देता था, अब हमको धुंधला पल दिखाई देने लगा। और बात यह है, हमारे आंखों की नस भी नहीं देखी दिखाई हमारे आंखों में दिखाई दे रही थी, अब हमारे आंखों में नस भी दिखाई देने लगी। आज हमको हल्का हल्का महसूस देने लगा, धुंधलापन दिखाई देने लगा और सफेदपन दिखाई देने लगा। सुनो, अभी जब मैं आ रहा था ना, जब मैं आ रहा था, मैंने आज किसके बारे में बताया आपको? अंधे के बारे में बताया ना। और जीसस क्राइस्ट ने जब एक अंधे को चंगा किया था, उसने बोला प्रभु मैंने देखी नहीं तेरी बनाई दुनिया। प्रभु ने क्या किया? थूका और उस मिट्टी को लिया, उसकी आंखों पर लगा दिया, उसे बोला फिर बाद में कि तुम्हें कुछ नजर आ रहा है? उसने बोला मुझे धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा है, कुछ पेड़ से नजर आ रहे हैं। समझ आ रही नहीं आ रही? इसका मतलब क्या है कि ये जेन्युइन टेस्टिमनी है, झूठी नहीं है। समझ आ रही है? अब ये बहन खुद अपने मुंह से बोल रही है, चाहे कोई कितना भी बोलता रहे, है ना, लेकिन वो खुद अपनी टेस्टिमनी दे रही है। और ये जो बात इसने बताई है कि मेरी आंखों में रेड वाला वो कुछ भी नहीं था, अब देखो सारी वो रेड जो वेन्स होती हैं वो नजर आ रही हैं। आप में से कोई भी एक बहन आए, कोई जो नई जो पहली बार आई हो, जो भी कोई आ जाओ, कोई भी आ जाओ वहाँ भी आ जाओ, आओ आओ जल्दी जल्दी फटाफट। देखो भैन जी, ये नजर आ रही कुछ रेड कलर दी? एक लकीर उसके आंख में नहीं था। मैं वायल विश्वास के साथ जो आप अब देखो यहाँ भी, हाँ जी दोनों साइड से आ रही है नजर। कितनी सारी हैं? ढेर सारी हैं। इसको कैमरा में लो। हालेलुया, तारीफ छोटी है चर्च। क्लोज कर। अब ये सुनो मेरी बात, ये जेन्युइन टेस्टिमनी है। हालेलुया, जो रियल हीलिंग्स होंगी वो आपको नजर आएंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे? तो ये हीलिंग रियल हीलिंग है। ये बहन बोल रही कि आज मुझे धुंधला धुंधला सा नजर आया है, प्रभु मुझे पूरा क्लियर दिखाएगा। जैसे प्रभु ने उसे पूरा क्लियर किया था, हम प्रार्थना करते हैं सब जन। खुदावन परमेश्वर, ये बहन पूरा क्लियर देखे और परमेश्वर साफ साफ देखे। आज जो इसकी स्टार्टिंग हुई है, ये पूरी तरह हील डोके। yes, तेरी महिमा करे परमेश्वर। yes, तेरे बड़े नाम को ऊंचा करे परमेश्वर। yes, मैं हीलिंग की घोषणा करता हूँ। बाइबल में लिखा तुम बीमारों पर हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे। yes, दुष्ट आत्माओं को निकालोगे। आपने इसको छुआ है सच में, इसलिए अपने मुंह से गवाही दे रही है। yes. हम कंप्लीट हीलिंग को मांगते हैं यीशु के नाम से, मांगते हैं। सब जन बोले आमीन। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। हालेलुया बोलो। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? ये रियल टेस्टिमनी है, फेक नहीं है। आप रियल चर्च में खड़े हैं, कोई नकली टेस्टिमनियां लेकर नहीं आएगी सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए या कमाई का साधन बनाने के लिए। ये कोई दुकानदारी नहीं है, ये जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में आप खड़े हैं। आपका मसला हल हो चुका है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। ग्रामीण ऊंचा लंबा है, दोनों हाथों को उठाकर बोलो आमीन।